ये है स्विफ्ट डिज़ायर 2008, जिसको हमने सिक्वेंशियल किट इंस्टॉल किया है, प्रोसेस चालू है। तो रिड्यूसर हमारा इंस्टॉल हो चुका है, लाइट लगा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने सबसे इंडिया का बेहतरीन जो रिड्यूसर आता है उसको इंस्टॉल किया है। ये 2-स्टेज रिड्यूसर है और बहुत ही अच्छा वर्क करता है। इंडिया के अंदर जितने रिड्यूसर हैं उन सब में सबसे बेहतरीन रिड्यूसर है ये। हाई पावर है, CNG टैंक से जो हाई प्रेशर गैस आता है उसको इंजन के यूजेबल प्रेशर में कन्वर्ट करना इसी का काम होता है। और ये 2-स्टेज है, बहुत बढ़िया काम करता है। और फिर हमने यहाँ पे लगाया है मैप सेंसर, और हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है इसका इंजेक्टर रेल। तो अभी पर्दा हटाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इंजेक्टर रेल इंस्टॉल किया गया है। तो ये है अपनी कार के इंजेक्टर पेट्रोल के, तो पहले इसको हटा देता हूँ। और फिर यहाँ पर हमने इंजेक्टर रेल इंस्टॉल किया है, एल निप्पल लगाए हैं और ये एल्यूमिनियम इनलेट मैनिफोल्ड है, जिसको हमने अच्छे से टैप करके इसके अंदर CNG के इंजेक्टर नोजल इंस्टॉल किए हैं। और ये बहुत ही अच्छी CNG पे वर्क करनी चाहिए, इतना बेहतरीन इसका काम किया है। ये जब गाड़ी बनेगी तब पहचानने भी नहीं आएगा कि इसका इंजेक्टर रेल कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इसके बाद ही आपकी गाड़ी बहुत अच्छी CNG पे चलेगी। और ये क्लीन करना पड़ेगा, तो इसको भी पूरा क्लीन करके लेंगे हम। और ये रहा इसका टोटल बॉडी, ये भी पूरी क्लीन करके लेंगे CNG पे गाड़ी शुरू करने के पहले। तो ये था हमारा इंस्टॉलेशन। और आपको टैंक बताता हूँ, टैंक भी हमने बहुत अच्छे से इंस्टॉल किए। ये रहा इसका टैंक। अब पेस देखिए, स्विफ्ट डिज़ायर के अंदर 2008 का मॉडल है ये बंदा आराम से सो सकता है इसके अंदर, इतनी बड़ी जगह है। और फिर हमने यहाँ पे इसका टैंक इंस्टॉल किया है, और बहुत ही बड़ा टैंक है, इस तरह से इंस्टॉल हुआ है। और स्टेपनी की जगह है। तो सब होने के बाद आपको दिखाता हूँ, पूरा इंस्टॉलेशन ख़त्म होने के बाद चकाचक गाड़ी है, लगती नहीं कि ये 2008 का मॉडल है, इतने अच्छे से रखा है इसको। पूरा चकाचूने, एक ये और एक है वहाँ पर 2008 SX4 CNG सिक्वेंशियल किट, उसमें भी बैठ चुका है, वो भी जूनियन है और ये भी जूनियन गाड़ी है। मज़ा आता है इस तरह के चैलेंजिंग गाड़ी में CNG किट लगाने में। तो चलते हैं, अभी इसका पूरा काम ख़त्म करके आपको बताता हूँ और इसके कस्टमर से भी आपको मिलवाता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो है स्विफ्ट डिज़ायर के ऊपर, जो 2008 मॉडल है और बहुत ही अच्छी गाड़ी है। हर तरह से ये गाड़ी नीट और क्लीन थी, सिवाय टोटल बॉडी के और स्पार्क प्लग के, तो वो हमने क्लीन करके लिया है, चेंज भी नहीं किया हमने। और इसके अंदर CNG किट इंस्टॉल हो चुका है, चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से इसमें CNG किट इंस्टॉल किया गया है। तो ये बोनेट खुल चुका है और ये है इसका इंजन बे। तो इसकी एक खासियत ये है गाड़ी की कि इसको जो
इनलेट मैनिफोल्ड आता है वो आता है तो इसमें जो इनलेट मैनिफोल्ड आता है वो है एल्यूमिनियम में, आप यहाँ से देख सकते हैं कि पूरा एल्यूमिनियम में है ये, और इसमें हमने अच्छे से ड्रिल करके उसमें एल निप्पल इंस्टॉल किया है और उसमें अच्छे से एयर टाइट करने के लिए लिक्विड वगैरह छोड़ के बराबर टाइट किया है। और यहाँ पर है इसका इंजेक्टर रेल, इस तरह से इसका इंजेक्टर रेल इंस्टॉल हुआ है और बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रही है सीएनजी के ऊपर। मैं खुद आपको इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, गाड़ी भी लेके जाता हूं आपके लिए। यहां पर हमने इसका बैठा है फिलिंग वॉल, यहां से आए सीएनजी गैस भरी जाती है। ये रहा इसका ब्रेन इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट, ये 32 पिन में है, ए बी इटली मीजो को डिज़ाइन करके देता है। और ये है इसका पावरफुल रिड्यूसर, ये रिड्यूसर के क्या कहने भाई, कैसी भी कौन सी भी गाड़ी हो इस पे सही से चलनी ही चाहिए, बहुत बढ़िया वर्क करता है ये। और यहाँ पे इसका मैप सेंसर जो ए बी इटली डिज़ाइन करके देता है मीजो को। और यहाँ पर हमने इसका बिठाया हुआ है यल निप्पल, तो वायरिंग जितनी भी है हमने कंसील कर लिए, कोई भी वायर खुली नहीं है, प्रॉपर कंसील वायरिंग है और नीट और क्लीन काम किया है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, कुछ आपको दिखेगा नहीं ऐसा कि ऊपर छोड़ा है, ये हमारी वायरिंग है नहीं, ये हेडलाइट रिले जो आता है उसकी वायरिंग है। तो सीएनजी का प्रॉपर इंस्टॉलेशन हुआ है, एक बार देख लीजिए, अगर कोई एक नज़र देखेगा तो बोलेगा नहीं कि इसमें सीएनजी किट इंस्टॉल हुआ है। तो अब चलते हैं स्विच की तरफ, और ये रहा इसका स्विच, तो यहाँ पे हमने इसका स्विच इंस्टॉल किया हुआ है। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ ऑन। ये ZX मॉडल है, ZX आए लेकिन इसमें स्टार्ट बटन तब नहीं आता था, और ये शुरू हो चुकी है हमारी गड्डी। तो आप RPM देख लीजिए, ओके, ये कुल चली है 128,529 किलोमीटर, जिसमें 29 किलोमीटर हमने CNG पे दौड़ाई है। और ये अभी है पेट्रोल पे, इसको हल्का सा रेस दे देता हूँ, फिर ये CNG पे शिफ्ट हो जाएगी। और अभी ये CNG पे शिफ्ट हो चुकी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। और ये अभी हमारी गड्डी CNG के ऊपर है। तो अभी चलते हैं कंसोल बॉक्स की तरफ, आप देख लीजिए कोई किसी तरह की मूवमेंट नहीं है, RPM के अंदर स्टेबल है, और इसका इंस्टॉलेशन बहुत अच्छा हुआ है, कैलिब्रेशन भी बहुत अच्छे से हुआ, स्मूथ हुआ एकदम, तो एक अलग ही मज़ा है अच्छे काम करने का। अभी इसका AC ऑन कर देते हैं हम, तो इसका AC ऑन हो चुका है, 2008 में इस तरह की क्वालिटी देता था मारुति, जो बहुत बढ़िया है। तो चलिए अभी AC ऑन हो चुका है, और आप देख लीजिए स्टेबल है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, और ये गाड़ी बहुत अच्छी चलती है CNG के ऊपर। इसकी टेस्ट ड्राइव लेने से पहले मैं आपको बताता हूँ इसका टैंक, तो ये है टैंक, लुक एट द पेस, पेस देखिए, इसमें आराम से दो बंदे सो सकते हैं, इतनी जगह है इसमें, बहुत जगह है। और यहाँ पे हमने टैंक भी इंस्टॉल किया है जो 60 लीटर के अंदर है, अच्छे से ब्रैकेट लगाया है, और यहाँ पे कुशन डाल के स्टैंड को अच्छे से फिट किया हुआ है, और स्टेपनी नीचे ही रखी है हमने। तो इस तरह से इसका टैंक इंस्टॉलेशन हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बिना किसी जगह का यूज़ किए टैंक बैठा हुआ है, अच्छे से बैठ गया है, बहुत जगह है बॉस, बहुत जगह है। और ये है हमारा स्टिकर,
साई श्रद्धा मोटर का। तो चलते हैं अभी टेस्ट ड्राइव लेते हैं इसकी और एक नज़र देख लीजिए इंजन कितना स्टेबल है। एसी ऑन है इसका, लेकिन क्या कहने, बहुत बढ़िया। तो अभी इसको बंद कर देते हैं। तो बॉनेट मैंने बंद कर दिया है, एक रखना ही पड़ेगा कैमरामैन, लेकिन आप चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं करते हो इसलिए हमने अभी तक रखा नहीं है। चलते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव के लिए। और ये सीएनजी पे ही है, तो ये चले हम टेस्ट ड्राइव के लिए। और एक कबूतर उड़ रहा है। शांति बहुत है यहाँ पे रत्नागिरी के अंदर। और वही अगर आप हमारे कोल्हापुर के शॉप पे आओगे तो हमेशा भीड़ भाड़, सुकून की जिंदगी है रत्नागिरी में। आराम से आओ, यहाँ के समंदर का मजा लो। हमारे लायक कुछ खिदमत रही तो बताओ, अगर आपको होटल बुक करना है या कुछ भी तो हम जरूर आपकी मदद करेंगे। तो एसी के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है गाड़ी। इसकी विंडो मैंने क्लोज कर दी है, अब तो देख लीजिए। स्मूथ है और अच्छे से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास स्विफ्ट डिजायर है 2008-9-10 मॉडल, और अगर आपको उसको सीएनजी बिठानी है तो आप जरूर उसको बिठाइए, क्योंकि ये बहुत अच्छी चलती है सीएनजी पे, बहुत स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कहने, बहुत अच्छी चलती है। किट अच्छा बिठाइए, जो टेक्नीशियन अच्छा काम करता है आप उसके पास जाके किट इंस्टॉल कीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छी चलेगी गाड़ी। और ये था आज का हमारा स्विफ्ट डिजायर के ऊपर सीएनजी किट इंस्टॉलेशन का इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है तो जरूर हमारे लिए एक लाइक दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट।